बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। तो आज मैं बहुत ही मज़े की इफ्तारी की रेसिपी लाई हूँ, जो है चाइनीज़ समोसा। इसके लिए मैंने ये बंद को भी ले ली थी, जिसको बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया था, एक कप जितनी तकरीबन बंद को भी है। और ये एक छोटी सी शिमला मिर्च ली थी, जिसको मैंने बारीक सा एकदम ही बारीक सा स्लाइस किया है। अब आप सोचेंगे कि इतना बारीक सा मैंने कैसे स्लाइस किया, तो चलिए जी मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ। तो ये जो स्लाइसर है, इसकी मदद से मैंने इसे बहुत ही पतला सा बारीक सा स्लाइस किया था। आपने बारीक सा इसीलिए करना है ताकि समोसे के अंदर ना फिलिंग अच्छे से बैठ जाए। अच्छा जी, ये बॉइल्ड चिकन है, जिसको मैंने बॉयल कर दिया था। बस पानी में थोड़ा नमक डाल के इसको श्रेड कर रही थी। 5 से 6 चिकन पीसेस थे बॉइल्ड। और अच्छा, अब आ जाते कुकिंग की तरफ। मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया था, और इसमें जो तमाम जो श्रेडेड चिकन थी ना, वो मैं इसमें डाल दूंगी। 5 to 6 बॉइल्ड पीसेस थे चिकन के। इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल दूंगी। एकदम ही बारीक बारीक से डालना है हमें, और ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये ऐसे भी बारीक से पतली से स्लाइसेस है तो बहुत ही जल्दी से गल जाएंगी, और हमें गलाना नहीं है सब्जियों को। थोड़ा क्रंची रखना है ताकि जब हम बाइट लेना समोसों के, तो बहुत ही मज़े का एक टेस्ट आए। बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जी, बस अब मैं क्या करूँगी, इसमें नमक डाल दूँगी, 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दूँगी 2 टीस्पून, और सोया सॉस डाल दूँगी 2 टेबलस्पून। बस मैं इसे अच्छे से टॉस कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर आपने बस टॉस करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि चिकन ऐसे भी पकी हुई है हमारी माशाल्लाह से, और हमें गलाना नहीं है बंद गोभी और शिमला मिर्च को। अच्छा जी, ये मैदा है, 2 टेबलस्पून मैदा मैं इसमें 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून जितना पानी डाल दूँगी, उतना पानी डालना जब तक ये अच्छे से घोल नहीं बन जाता। ये हम स्लरी बना रहे हैं, ठीक है, जिससे समोसे हमारे अच्छे से चिपक जाएंगे। ये समोसा पट्टी है, जो मैंने रेडीमेड ली थी। अब मैं एक एक करके आपको दिखाती जाऊँगी, आप देख लीजिए कैसे हमें करना है। जो ट्रायंगल जब भी हम बनाएंगे ना समोसे के, तो उसके जो कोने होते हैं ना, वो अच्छे से सील होने चाहिए, ताकि जब भी हम फ्राई करें तो अंदर तेल ना जाए। क्योंकि जब जैसे तेल अंदर चला जाएगा ना, तो बहुत ही ऑयली से समोसे बन जाएंगे। तो इसमें आपने एहतियात रखना है। जैसे उसका अच्छे से कोन बन गया ना, इसके अंदर मैं जो चिकन की फीलिंग थी वो डाल दूंगी। ज़्यादा नहीं डालना, ओवरफिल नहीं करना, बस 2 टीस्पून जितनी मैं इसमें चिकन की फीलिंग डालूंगी। और इसे अच्छे से, जो स्लरी बनाई थी हमने मैदे की, वो मैं इसमें ब्रश कर लूँगी। आप हाथ की मदद से लगा लीजिए, ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से, आपकी मर्ज़ी है। तो बस मैंने अच्छे से लगा ली, खूब सारा लगाना है आपने, ताकि अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। चिपकने के बाद ना आपने, आप देख सकते हो कैसे मैं रोल करके बना रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे प्यारे से समोसे बन के तैयार है। बहुत सारे समोसे बने थे, तकरीबन 15 समोसे बन गए थे। तो आप देख सकते हो कितने गर्मा गर्म टेस्टी से हमारे समोसे तैयार है। ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत डिलीशियस और यूनिक रेसिपी है, आप सबको खूब मजा आएगा। अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।